हर हर गंगे गंगे, हर हो हर हो महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया जी, जय नंदी भगवान जी। मित्रों, अभी मैं यहाँ से जा रहा था तो इस पौधे के नीचे मुझे गणेश भगवान जी की मूर्ति, बड़ी सुंदर मूर्ति प्रतिमा रखी हुई मिली, लेकिन वो गिरी हुई थी, किसी ने रखी होगी लेकिन वो गिरी हुई थी। तो पहले तो मैंने इनको ठीक किया, फिर मैंने कहा ये फिर गिर जाएगी यहाँ मिट्टी में और ऐसी गलत जगह रखी हुई है। तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बाबा को साथ अपने घर ले चल, मेरा तो क्या है, सब इन्हीं का है। तो बस इच्छा जागृत हुई और मैंने बाबा की मूर्ति गंगा जी में स्नान कराया और घर लेकर जा रहा हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, ओम श्री गणपति नमः, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति महादेव। मित्रों, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं विशेष है, ये है महुआ, महुए का ये वृक्ष है। और आप देखेंगे इसके नीचे छोटा सा मंदिर सा बना हुआ है। और प्रभु जी बता रहे हैं कि 2 साल पहले इस वृक्ष में इतनी मैग्नेटिक पावर आ गई थी, ऐसी ऊर्जा आ गई थी कि लोग इसके पास आते थे तो ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही इसकी तरफ, इसके अंदर खींचते चले जाते थे, ऐसा बता रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं महुआ के बीज बहुत बहुत हैं यहाँ पर, बहुत गिरे हुए हैं और गाय माता इन बीजों को ही खा रही हैं। बता रहे हैं कि जुकाम का बहुत अच्छा इलाज है और बहुत शक्ति होती है इस बीज में। जी प्रभु, ऐसा ही है ना, ऐसा ही ना जैसा बताया मैंने अभी। हाँ, इसका तेल निकलता है। अच्छा, तेल भी निकलता है इसका? तेल ही निकलता है, तेल ही तो पके इसको। अच्छा, वाह। इसके बीजों की सब्जी भी खाते हैं, हरे बीजों की। ये अच्छा, ये हरे की सब्जी खाई जाती है? खाई जाती है। और ये जो निकल जाता है जी, ये निकाल के ना जी, ये सब्जी खाई जाती है, इसकी सब्जी बनाई। अच्छा, ये ऊपर के छिलके की? हाँ। और बीज का तेल निकलता है? बीज का तेल निकलता है। और बीज, ये देखिए अपने आप ये हट जाता है इसमें से और बीज बन जाता है। ये सब्जी के लिए है, सब्जी खाओ, बहुत बढ़िया है। वाह, ताकतवर सब्जी है ये सब्जी और वो बीज। हाँ। अच्छा, फूल भी खाए जाते हैं? फूल तो मीठे होते हैं। बहुत स्वादिष्ट खीर बनाते हैं, फूल की खीर खाई बनाई जाती है जी। वाह। और महुआ, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, महुआ नाम अंग्रेजी में थी, महादेव जी के नाम बारे में, और अच्छी थी। उसकी 4 पुस्तकें थी, सीरीज थी वो, महुआ मैंने पढ़ी थी। और आज ये महुआ देख रहा हूँ, और महुआ किसी और भी प्रयोग में लाया जाता है, आप नाम से समझ गए होंगे, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वही प्रयोग है, उसके अलावा देखिए प्रभु ने कितने प्रयोग बता दिए। महादेव, जय गंगे मैया महादेव। मित्रों, सामने आप देख रहे हैं वीरभद्र महादेव मंदिर, और मंदिर के ठीक सामने ये स्थान है। और मैं ये स्थान 2.5 साल से जानता हूँ, परंतु आज वीडियो में पहली बार दिखा रहा हूँ, और अंदर मैं भी आज पहली बार गया हूँ प्रभु जी की कृपा से। राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक उत्खनित स्थल वीरभद्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यहाँ के बारे में जानकारी भी लिखी गई है। और अंदर मैं भी पहली बार गया हूँ, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। कहते हैं कि असली पांडवों के द्वारा निर्मित वीरभद्र मंदिर और शिवलिंग यहाँ पर है, स्थापित है। और ये आप खुदाई में देख रहे हैं कि जो ढांचा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, और जानकारी देखिए ये है, इस पुरार्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1973-75 में किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक शैव मंदिर तथा प्राचीन भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इसके अतिरिक्त 3 सांस्कृतिक चरणों के अंतर्गत 1 शती ईस्वी से 8 शती ईस्वी की प्राचीन मुद्राएं, मृद भांड एवं अन्य पुरावशेष भी प्राप्त हुए। प्रथम चरण 1 शती ईस्वी से 3 शती ईस्वी में कच्ची ईंटों से निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य चरण में 4 शती ईस्वी से 5 शती ईस्वी में पकी हुई ईंटों के टुकड़ों से निर्मित फर्श तथा शैव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतिम चरण 7 शती ईस्वी से 8 शती ईस्वी से कुछ पक्की ईंटों से निर्मित आवासीय संरचनाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महादेव, ये देखिए, और देखिए हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है, मैंने पहले भी अनेक बार ये बात बोली है। अब मैं 2.5 साल से इस स्थान को जानता हूँ, देखता हूँ, कई बार बाहर से आकर देखा भी, परंतु प्रभु जी की कृपा से आज मैं पहली बार यहाँ अंदर आया हूँ और बाबा का वहाँ पर अभिषेक किया है। ये है प्राचीन शिवलिंग असली, चलिए दिखाता हूँ आपको, पास से दर्शन कराता हूँ। महादेव तेरी कृपा। ये हैं श्री वीरभद्र महादेव जी प्राचीन, और बाद में मंदिर का विस्तार कर दिया गया, बताया जा रहा है ये अवशेष यहाँ पर। और ये है माता मुंड महालेश्वरी जी,
जैसे कि वहाँ वीरभद्र मंदिर के बाहर माता मुंडमालेश्वरी जी का मंदिर है, वीरभद्र महादेव जी, माता मुंडमालेश्वरी जी, और ये हैं शेषनाग जी, परंतु मूर्ति समय के अनुसार साथ खंडित हो गई है, किसी प्रकार से शेषनाग जी के दर्शन कर रहे हैं आप। शंभो कैलाशपति, ये सब खुदाई में निकला हुआ है, आप देख रहे हैं। हर तरह की ईंटें बताई गई हैं, पहले कच्ची नीचे ईंटें हैं, फिर उसके बाद बीच वाली अध पकी, ऊपर वाली पकी हुई। महादेव तेरी कृपा। शंभो कैलाशपति, हर 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 महादेव। जय वीरभद्र महादेव जी। और देखिए मित्रों, तीन भाई ऑटो से आए हैं, दिल्ली से ऑटो लेकर आए हैं ऋषिकेश तक, और वीरभद्र महादेव जी के चरणों में। वाह जी, ऑटो का मतलब है टैक्सी नंबर का मतलब है यहाँ तक कितना इन्होंने परेशानी सही होगी यहाँ तक आने के लिए। ये तीनों एक साथ हैं, तीनों दिल्ली नंबर हैं। महादेव, मित्रों मैं अभी भोजन के पश्चात टहलने निकला था, और यहाँ पर आपको कुछ धुंधलापन दिखाई दे रहा है गली में भी, और ये ऊपर भी देखिए, ये बादल है। देखिए इस तरफ साफ है, इधर कुछ नहीं है, और इस तरफ वो धुंधलापन बादल है, कोहरा कहेंगे कुछ लोग कुछ, परंतु ये है बादल ही, ऊपर तक आसमान में भी दिखाई दे रहा है, नीचे गली से लेकर ऊपर यहाँ तक है। शंभव महादेव, मित्रों ऋषिकेश में एम्स के आगे सीमा डेंटल कॉलेज है, बच्चों को यहाँ पढ़ाया भी जाता है और दांतों का इलाज भी किया जाता है। उसकी चौथी मंजिल से आप ये दृश्य देख रहे हैं सुंदर। शंभव, मैं अपने दांतों को दिखाने कुछ आया था, और वहाँ से ये दृश्य है। शंभव, चारों तरफ का अलग अलग दृश्य है, खिड़कियों से सुंदर है। महादेव, ये सामने आम बाग है, हर हर गंगे हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति, मित्रों आप हैं प्रदीप शर्मा जी मेरे गंगा मित्र, और दिल्ली में मेरे पड़ोसी, और ये देखिए इनके गंगा मित्र। आ भैया आओ, आ जाओ साथ, इनके गंगा मित्र इनके साथ चल रहे हैं। आठवां मैं हूँ, ये देखिए एक ये है, एक वो पीछे है, और इनका प्रदीप जी के प्रति प्रेम देखकर आनंद आता है, और प्रदीप जी में मुझे अपनी थोड़ी सी झलक दिखाई देती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ये घेर लेते हैं, इनको पता है प्रेम भी मिलेगा और कुछ खाने को भी मिलेगा साथ में। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। और आप जल देख रहे हैं, बहुत बहुत बढ़ गया है। हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया। प्रभु जी का अपना तरीका है, माँ के चरणों में बाबा के चरणों में निवेदन प्रार्थना भक्ति करने का, बहुत सुंदर आनंद। इनका अपना तरीका है भक्ति का। लगता है लेंस पर भोग जम गई है। माँ के श्री चरणों से
गोला नारियल श्रीफल बह करके आते हैं और मैं निकालता हूँ, फोड़ता हूँ, बड़ा सुंदर निकलता है जब भी फोड़ता हूँ। माँ की ऐसी कृपा है और आनंद लेता हूँ माँ के इस प्रसाद का। महादेव। मित्रों, अपना ये बेलपत्र का पौधा है, बहुत सुंदर हो रहा है। और क्या आपने जीवन में इतना बड़ा बेलपत्र देखा है? देखिए, ये दो हैं जो ज़्यादा बड़े हैं। क्या देखा आपने इतना बड़ा बेलपत्र का पत्ता? और बाकी भी बड़े हैं, ये देखिए ये छोटे हैं। और इसी पर ये अलग टहनी आई थी, एक ये टहनी और एक ये टहनी, इन पर बड़े हो रहे हैं। महादेव। हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर महादेव। आज श्रावण शिवरात्रि के परम पवित्र दिन, माँ गंगा जी के परम पुण्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं आप। ऋषिकेश बैराज श्री गंगेश्वर महादेव जी मंदिर से। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभो। कैलाशपति। हर 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 महादेव। जय महामूल महालेश्वरी महालेश्वरी जी। हर हर महादेव। महादेव जी। और मित्रों देखिए, इस सुंदर स्थान पर बेलपत्र स्वयं ही उगे हुए हैं। तो देखिए, सूखी मिट्टी है, सब कुछ वैसा है, स्वयं उगे हुए हैं, तब किसी ने जल भी डाला है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर हल्की हल्की खुदाई करके छोटा सा गमला सा बना दूंगा ताकि जल अच्छे से डाला जा सके। और देखिए, एक बेलपत्र वहाँ स्वयं अपने आप हो रहा है, लोग लगाते हैं तब नहीं हो पाते ठीक से। ये मेरे माँ बाबा की कृपा है, चमत्कार है कि ऐसे स्थान पर, ऐसी मिट्टी में, सूखी मिट्टी में बिल्कुल, और ये स्वयं अपने आप हो रहे हैं। महादेव। 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 हर 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 महादेव। मित्रों, ये यज्ञशाला लग रही है, जैसे यहाँ यज्ञ होता होगा। चार खंभे कोनों पे दिखाई दे रहे हैं आपको। शंभो कैलाशपति। जय श्री वीरभद्र महादेव जी। श्रावण शिवरात्रि की आप सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं, बधाई। और देखिए, चारों तरफ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं बाबा के। कहीं पर पूजाएं चल रही हैं अनेकों स्थानों पर, वहाँ सब पूजाएं चल रही हैं उधर। और पहले सोमवार को जितनी भीड़ थी मंदिर के बाहर तक लाइन गई हुई थी, आज लाइन की व्यवस्था नहीं है। आज दर्शन कीजिए और दूसरे एक गेट से घुसिए, दर्शन कीजिए, दूसरे गेट से निकल जाइए। शंभो। महादेव। जय जय श्री वीरभद्र महादेव। जय जय श्री राम जी। जय जय श्री संकटमोचन हनुमान जी। ये बंदर के बच्चे मित्रों पेड़ों से नीचे जल भरा हुआ खेत में, उसमें कूद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं। चार पांच बंदर हैं जो कि अलग अलग पेड़ों से ऊपर चढ़ते हैं और फिर कूदते हैं। शंभो। वाह, आनंद ले रहे हैं। मित्रों, ये वीरभद्र महादेव मंदिर है और यहाँ मंदिर के पीछे इस पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ों तने के बीच में प्राचीन शिवलिंग है। चलिए दर्शन कराता हूँ आपको। हर 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 महादेव। शंभो। अंदर भी अभी जो शिवलिंग आपने दर्शन किए, ऐसा ही शिवलिंग इतना ही बड़ा यहाँ पर है, और इतना ही बड़ा वो एक बार मैंने पहले आपको दिखाया है, वहाँ उस पानी की टंकी के पास है। और देखिए कैसे तने के बिल्कुल अंदर है, ये तना है और तने के अंदर शिवलिंग है। और इधर से भी
इधर से भी दर्शन हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं। महादेव तेरी कृपा। जर्जर हालत है, महादेव तेरी कृपा। जय माँ मुंडमालेश्वरी जी, जय जय मेरी माँ शिव शक्ति जी की जय हो। और यहाँ पर आप देखेंगे मित्रों वीरभद्र महादेव मंदिर, और यहाँ पर ये प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप बनाए गए हैं और प्राचीन है। महादेव तेरी कृपा। ओम नमः शिवाय, 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 शंभो कैलाश, जय मेरी माँ। मित्रों अभी आपको मैंने वहाँ वीरभद्र महादेव मंदिर में और उस मंदिर के पीछे वहाँ पर दर्शन कराए, और अब दर्शन करते हैं यहाँ पर आज के पवित्र दिन। ये सुंदर स्थान देखिए, और ऐसा लगता है जैसे पूरा जगत ही शिवमय हो गया है, और माँ बाबा की ऐसी कृपा कि आज के पवित्र दिन इतने अनेक स्थान पर दर्शन भी हो रहे हैं, गंगा जी स्नान भी हो रहा है। शंभव कैलाशपति, जय नंदी भगवान जी, हर हर महादेव, जय नागदेव जी, महादेव तेरी कृपा। शंभव हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव। मित्रों आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? ये वही महाराज जी हैं, मुझे कल मिले थे, जो गंगा जी किनारे आकर डमरू बजाते हैं, और ये इनके ध्यान का, पूजा का, प्रेम का अपना तरीका है। जय गंगा मैया। शंभव कैलाश, मित्रों कमल बाबा के श्री चरणों के लिए और नीलकंठ जी के लिए खिलाइए जरा। जी विष्णु, विष्णु जी ने कमल के फूल की जगह नैनी तो चढ़ाया था, आपने आंखें चढ़ाई दी। एक कमल का फूल बाबा ने छुपा दिया था जानबूझ के, तो उन्होंने अपनी आंख निकाल के चढ़ाई थी, उनको कमल नयन कहा जाता है। वो ब्रह्म कमल केदारनाथ बद्रीनाथ जी। अच्छा सब पति ऐसे कर दो बस, हाँ, तो खिल जाएगा, परंतु कहीं ले जाना हो तो खिला के ना ले जाया जाए, ऐसे ही ले जाया जाए, वहाँ जब खिला दो। तो मेरा पहला अनुभव है, तो इसलिए चलिए आगे से पता लग गया, क्योंकि अब नीलकंठ जाना है मुझे। आप ऐसे ले जाओ, बड़ा खिला दो। तो मैं ये ले जाऊं क्या? हाँ यही ले जाओ, मैं यही ले जाता हूँ, आप ये तो किसी और को भेज देंगे। अच्छा अरे माता, एक ही जगह ये भी वही है, वो भी वही है, नहीं अब तो नाम नीलकंठ जी के नाम लिया है तो वही चढ़ेगा। तो ठीक है चढ़ा दो, अभी तो ऐसे ही रखेगा, तुम खिलाओगे डाल दूंगी ना इसको जी, ऐसे ही रखेगा, और जो और खिला रहा तो और मोड़ देना, इतना ही मोड़ दिया मैंने अभी जी जी। ना ना इसको नहीं काटू, ये पन्नी में डालू मैं, टू पन्नी हो जाएगी ना। अच्छा चलो काट दो, तो इतनी काट दो ना, पन्नी में डाल देती हूं डाल दो, और ये मुझे ये भी डाल देना। अच्छा गंदी, क्या पता इसको डुबो देंगे पानी में, क्या पता फूटा है। ना ना नहीं फूटा, नहीं फूटता, डाल दो, हम वहमी लोग हैं, ये पता नहीं क्या कर देता है, मैंने तो देखे ना इसके चमत्कार। बस बस टाइट मत करो। जय हो, जय जय श्री नीलकंठ महादेव जी। मित्रों शिवरात्रि के अगले दिन यानी कि चतुर्दशी को नीलकंठ महादेव जी के श्री चरणों में हूँ, और आप ये देख रहे हैं शिवरात्रि के बाद ये पूरी जालियाँ थैलियाँ भर जाती हैं, बंदर घुस जाते हैं, तो ये गलत होता है, ये क्यों बांध देते हैं सब यहाँ पर? ये प्रसाद घर लेकर जाना होता है, और ये थैलियाँ यहाँ बांधने से क्या प्राप्त होता है मुझे समझ नहीं आता। बस एक किसी ने ऐसी हरकत कर दी और सब उसकी देखा देखी फिर वही करने लग जाते हैं। नहीं क्या औचित्य, क्या तात्पर्य है यहाँ पर ये थैलियाँ बांधने से क्या मिलता है? प्रसाद अगर में है तो घर ले जाइए, खाली थैलियाँ बांधने करना क्या है? हर हर गंगे, जय जय श्री नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले।
हर हर गंगे हर हर महादेव शंभो कैलाशपति। ऋषिकेश का बैराज देख रहे हैं मित्रों आप सामने, और देखेंगे आप ध्यान देंगे तो सभी गेट खुले हुए हैं, सभी गेट, और माँ का ऐसा वेग इस स्थान पर मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। सारा गीला हो चुका हूँ मैं यहाँ पर खड़े खड़े, कुछ लकड़ी ये देखिए, ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ माँ के जल में बहकर आई हैं, ये कुछ मैंने निकाली अभी, ये बड़ी वाली भी मैंने ही निकाली अभी। और शब्दों में वर्णन करने का मैं प्रयास भी नहीं कर सकता कि कैसा दृश्य है, कैसा वेग है माँ के जल का, और कितना कितना आनंद आ रहा है। हर हर गंगे हर महादेव हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। जय जय मेरे बड़े शंकर महादेव। मित्रों आप देख रहे हैं ऋषिकेश बैराज के आज सभी गेट खुले हुए हैं, सभी। ये दृश्य मैं पहली बार देख रहा हूँ और इतना जलस्तर भी पहली बार देख रहा हूँ, और माँ के श्री चरणों में असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। देखिए इतनी सारी लकड़ियाँ और ऊपर भी बहुत पड़ी हैं, ये बड़ी वाली लकड़ी तो मैंने निकाली अभी, और भी कुछ निकाली। हर हर गंगे हर हर महादेव। मैं पूरा भीग चुका हूँ लगभग, माँ की लहरें आती हैं और आशीर्वाद स्वरूप ऊपर तक पूरा भिगो देती हैं, तर कर देती हैं, अचानक कोई बड़ी लहर आती है। ये संकेत है कि एक तो ऊपर बारिश बहुत हो रही है, दूसरा बारिश बहुत होने वाली है। उन दोनों ही सूरतों में सभी बांधों के बैराजों के गेट खोल दिए जाते हैं। ऊपर जैसे टेरी बांध है और भटवाड़ी में भी बांध है और भी कई हैं ऐसे, सबके गेट खोले हुए होंगे। इस समय माँ का जलस्तर देखने योग्य है, इस दृश्य से मन नहीं भर रहा बस देखते देखते। महादेव शंभो शंभो कैलाशपति। हर हर गंगे हर हर महादेव। जय श्री वीरभद्र महादेव जी। मित्रों सामने वहाँ पेड़ के आगे वहाँ देखिए टंकी के उस तरफ मंदिर है, और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि वहाँ से लाइन ये पीछे तक वहाँ तक गई हुई है। और मैं आपको बता देता हूँ ये लाइन आज क्यों है, क्या विशेष है। आज सावन की सोमवती अमावस है, पांडवों के पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस एक बार भी नहीं आई। वो तरसते रहे कि सोमवती अमावस आए और वो पुण्य स्नान करें, परंतु नहीं आई। भीड़ देखिए गाड़ियों की, कहां कहां तक गाड़ियां खड़ी हैं। तो पांडवों ने सोमवती अमावस को श्राप दिया कि हम पूरे जीवन तरसते रहे, आप हमारे जीवन में एक बार भी नहीं आई। तो कलयुग में आप इतनी बार आओगे कि आपके वो महत्व नहीं रहेगा, लोग आपका उतनी कदर नहीं करेंगे। और देखिए अब हर दो तीन महीने में सोमवती अमावस आ जाती है, और मानने वाले अभी भी हैं। माँ गंगा जी के चरणों में स्नान प्राप्त होगा, वीरभद्र जी के दर्शन प्राप्त होंगे, और ये लाइन देख रहे हैं आप। तो ये सोमवती अमावस का महात्म्य है, वो भी सावन की। वाह, जय सोमवती अमावस्या जी महादेव। चले चलिए प्रभु चलिए। जय जय श्री वीरभद्र महादेव। जय मेरे प्रभु। सोमवती अमावस्या के दिन वाह भक्तों की लंबी कतार। जय हो महादेव के भक्तों की। हर हर महादेव। जय गंगा मैया हर हर महादेव। आज श्रावण की सोमवती अमावस्या के परम पवित्र दिन, परम पवित्र तीर्थ नगरी ऋषिकेश से माँ के श्री चरणों से ये स्नान आप सभी भाई बहनों के लिए। माँ बाबा सबका कल्याण करे, सभी सनातनी हिंदुओं का कल्याण करे। हर हर गंगे हर हर महादेव। शंभो कैलाश 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 कैलाश।